हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग रास्ते में हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही ग्रीनरी एरिया है। और बीआईटी सिंधी का एक और ख़ास बात क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि उसके बगल में ही एक सॉफ्टवेयर पार्क बनाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने वाला है आने वाले समय में। आप लोग यहाँ से जैसे भी आगे बढ़ोगे सॉफ्टवेयर पार्क से, तो उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में बीआईटी सिंधी का जो कि गेट दिखने वाला है। देख सकते हो आप लोग गेट बहुत ही ब्यूटीफुल, ये गेट नया बनाया गया है। अब आप लोग देखो यहाँ का सीनरी बहुत ही अच्छा है। जैसे ही इस गेट से घुसोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एल्युमिनी हाउस देखने को मिलेगा। और बीआईटी सिंधी की सबसे खास बात यह है कि पूरा जो एरिया यहाँ पे है ना, बहुत ही ग्रीनरी और बहुत ही हरा भरा है, पूरा का पूरा पेड़ के साथ। देखिए यही है हमारा एल्युमिनी हाउस, जितने भी एल्युमिनीज आते हैं वो यहीं पर वो रेस्ट करते हैं, वो रुकते हैं। अब बाकी देखो आप लोग, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। जिनको भी यदि इंजीनियरिंग करना है, मास्टर डिग्री करना है और पीएचडी करना है, तो यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो, जो कि धनबाद स्टेशन से करीबन 25 किलोमीटर पड़ता है। अब आप लोग पूरा डिपार्टमेंट, हॉस्टल, सब कुछ दिखाया गया। अब आप लोग देखो यहाँ पे, देखिए ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जो कि जितना भी पेपर वर्क होता है वो इसी बिल्डिंग के अंदर होता है। उसके बाद जैसे ही इससे जब आगे बढ़ोगे आप लोग, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लेक्चरर हॉल। यहाँ पे लेक्चर होते हैं, स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में वो बच्चों का लेक्चर इसी बिल्डिंग में चलता है। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये आपका है गया बीआईटी कैंटीन। कैंटीन के बगल में आपके दो बैंक भी हैं, वहाँ पे बैंक का भी आप लोग काम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये मेरा डिपार्टमेंट पहुँच गए, जो कि हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, यहाँ से हम वीएमटेक कर रहे हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जो कि रॉयल है, हमेशा एवरग्रीन डिपार्टमेंट है। चलिए अब इसके बाद इसी के बगल में एक और डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसी के बगल में एक्चुअली ये मैकेनिकल का ही पार्ट है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया है यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको एक और डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि है हमारा सिविल डिपार्टमेंट। सारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो अलग अलग कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है आपका लैब है इसके अंदर, उसी के जस्ट बगल में आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये हमारा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जस्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऑपोजिट में है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑडिटोरियम है, जो कि देश पांडे ऑडिटोरियम है। जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो इसी ऑडिटोरियम के अंदर होता है। इसके बाद जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे, आपको इसके बाद हॉस्टल जोन्स दिखेंगे, जो कि पूरा का पूरा हॉस्टल है। ये देखिए हॉस्टल जोन से, देखिए जैसे ही आगे बढ़ोगे तो चारों साइड ग्रीनरी एरिया और बीच में हॉस्टल। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि एकदम नेचर में हो, नेचर से हम लोग मिल रहे हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, मेश है। सब सारे हॉस्टल्स का मेस अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, तो एक ही मेस में पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है, हॉस्टल है। बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, मेरे ख्याल से 26-27-28 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ के लिए, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला करके इतने सारे हॉस्टल्स हैं। देख सकते हो आप लोग बहुत ही अच्छा लोकेशन भी है और ग्रीनरी ग्रीनरी पूरा का पूरा ग्रीनिश एकदम। अब उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा है प्लेग्राउंड। यहाँ पे प्लेग्राउंड एक आपको स्टार्टिंग में दिखा था, ये भी आपका प्लेग्राउंड है। यहाँ पे सारे लोग बच्चे आके खेलते हैं। देखिए पीजी हॉस्टल है हमारा, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे भी तो हैं, तो उनके लिए हॉस्टल्स भी चाहिए, तो हॉस्टल भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। ये देखिए लेबोरेटरीज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे लेबोरेटरीज़ आपको दिखाया गया है। अभी ये देखिए ये पीजी हॉस्टल बना है, जो कि हम लोग एमटेक वाले बच्चों के लिए है। बहुत ही फ्रेश और न्यू बनाया गया है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है ये। ये सारे यहाँ पे पीजी वाले लोग रहते हैं, यानी कि जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, आसपास में बहुत ही ग्रीनरी एरिया है। खेलने का लोकेशन भी देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे वॉलीबॉल का कोर्ट भी बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा मेश है, इस ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ये मेश है। देख सकते हो आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल। ये आपको आगे गेट दिख रहा होगा, ये डायरेक्टर सर का बंगला है। यहाँ पे डायरेक्टर सर भी इसी कैंपस के अंदर ही डायरेक्टर सर भी रहते हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप लोग ये आगे बढ़ोगे यहाँ से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गर्ल्स हॉस्टल। ये वाला हमारा पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है। और भी गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में आपको एक ही गर्ल्स हॉस्टल दिख रहा होगा। देखिए, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ही ब्यूटीफुल, ये है प्रोफेसर्स हाउस, यानी कि प्रोफेसर्स के लिए भी अलग अलग
अलग अलग दिया गया है। दोस्तों हम लोग अब लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं, देखिए लाइब्रेरी मेरे पीछे जस्ट लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। हमारे कॉलेज की कुछ ही दूरी पे साईं मंदिर है, तो वहाँ पे भी हम लोग चले गए हैं साईं मंदिर पे। देखिए साईं मंदिर का पूरा लोकेशन बहुत ही अच्छा है और शांत महसूस आपको यहाँ पे आने के बाद होगा। हेलो दोस्तों, कॉलेज के बगल में ही एक साईं मंदिर है, हम लोग वहाँ पे आ गए हैं देखिए। और दोनों लोग साथ में ही घूम रहे हैं, आज पूरा दिन भर का टूर है, ठीक है ना, तो मज़ा आने वाला है। देखिए फिर मैं आप लोगों को साईं मंदिर यहाँ से दिखा देता हूँ चारों साइड आपको, देखिए। और फिर यहाँ से आपको अंदर मंदिर का भी नज़ारा दिखाऊँगा कि कैसा है। साई मंदिर जाने के रास्ते में आपको यहाँ पे एक डिनोबले स्कूल है जो कि सिंदरी में ही है, हमारे कॉलेज से करीबन, यदि पीछे वाले गेट से निकलोगे तो बहुत ही नज़दीक पड़ेगा, और यदि घूम के मेन गेट से आओगे तो करीबन 2 से 2 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको यहाँ का एक प्लेग्राउंड देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा है यहाँ का प्लेग्राउंड। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि हमारे आसपास BIT सिंदरी कॉलेज हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।